पर ट्राई तो करती हूँ। में इस घुंघरू को पहनकर इसके जादू को महसूस करना और फिर डांस करना, देख क्या होता है। रोहन की क्लास में जाना और देखना वो अपनी क्लास किस तरह से ले रहा है और मुझे पूरी रिपोर्ट देना। Get out of the class! जाने से पहले डांस फ्लोर साफ कर लेना। जी घर में कभी पोछा नहीं किया? कहाँ गई ये लड़की? जिया गॉड, अब ये स्केड्यूल मुझे बनाना पड़ेगा। जब भी काम होता है ये लड़की गायब हो जाती है। इससे ये जॉब दी किसने? जिया I think मैं गलत रूम में आ गया हूँ। Exactly. तुम गलत रूम में ही आ गए। That too without permission. इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी गलती की माफी मांगो। माफी? For what? Look, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती गलती होती है। एक बात तुम अच्छे से जान लो। रैड में डांस से पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर तुम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वेल, इन दैट केस अगर आप मुझे पनिश कर लो तो अच्छा है। आई सी। या गो ऑन, टेल मी क्या कर लेंगी आप? ज्यादा से ज्यादा मुझे एक दो दिन के लिए सस्पेंड कर लेंगी? पूरे 7 दिन। कूल। One minute. तुम्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा बल्कि तुम रोज अकेडमी में आओगे, लेकिन डांस सीखने के लिए नहीं, डिसिप्लिन सीखने के लिए। आज से पूरे 7 दिन तुम अकेडमी में केयर टेकर बन के रहोगे। मैम, यू मे गो।
तुम यहाँ चेयर के पीछे क्या कर रही हो? मैं वो बाहर। बोलो जिया, तुम हमेशा इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो? मैं वो जाले साफ कर रही थी। तुम्हें मालूम भी है मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारा भी काम मैं करूंगी तो तुम्हारी क्या जरूरत है यहाँ पर? सॉरी सॉरी मैम, वेरी सॉरी। ओके वगैरह, अभी ध्यान से सुनो, तुम्हें ये स्केड्यूल बनाना है, ओके? एंड प्लीज नो मिस्टेक्स, लिसन केयरफुली, सुनो। ये देखो, यहां से बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। मत करना। और एक काम। और एक? हाँ, और एक काम। तुम्हें ये पूरा हफ्ता अपूर्व को सुपरवाइज करना है। हाँ। हाँ। समझी? हाँ। जी, आर यू श्योर तुम ये सब हैंडल कर सकती हो? जी 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 मैम, हो जाएगा, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। मेरी जिया भी इनमें से एक बन सकती है अगर वो चाहे तो। अच्छा। और नहीं तो क्या, मेरी जिया किसी से कम थोड़ी है। वो भी कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, किरण बेदी और सोनाल मानसिंह की तरह नाम कमा सकती है। हाँ। अरे माँ, बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेके कौन सा किला फतह कर लेगी डब्बू? अपने परिवार में ही देख लो, कम से कम मास्टर्स की डिग्री तो सबके पास है। डब्बू ही है जो आजकल तो बिना पढ़ाई के कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलता। मैं बोल रहा हूँ स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो, इससे आगे अगर डब्बू ने पढ़ाई नहीं की तो सारी उम्र सारी जिंदगी घर में कुंवारी बैठी रहेगी। अरे भाई, कम से कम मास्टर्स की डिग्री तो होनी ही चाहिए। ओ कम ऑन पापा, किसने कहा कि मास्टर्स की डिग्री होगी तो ही ढंग का लड़का मिलेगा? अब इसे देखिए, इसके पास मास्टर्स की डिग्री है नहीं, लेकिन फिर भी इसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, वो सानिया मिर्जा है, डब्बू नहीं है तेरी बहन की तरह। ऐसी उल जलूल बातें करके हकीकत बदल नहीं सकती है। मैं बोल रहा हूँ मास्टर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी डब्बू को, नहीं तो। मास्टर्स की डिग्री हो या ना हो, मुझे पूरा यकीन है जिया कुछ भी मन से करेगी ना, उसमें उसे कामयाबी हासिल जरूर होगी। तो देखना एक दिन वो किस मुकाम पे पहुंचती है, कुर्सी पे बैठ के हुक्म चलाएगी। साधना बेटा तू भी आ जा, जिया भी आती होगी।
महेश खाना लग गया, छोड़ उसे और कुछ खा ले। सुबह से तू अपनी डिग्री सजाने संवारने में लगा हुआ है। सजा संवार रहा हूं क्योंकि इस डिग्री की इज्जत करता हूं, वरना किससे उम्मीद करूं जो ऐसी डिग्री हासिल कर सके। सोचा था डब्बू पढ़ेगी लिखेगी, अपने बाप का नाम रोशन करेगी। पढ़ना तो दूर, जो बची कुची इज्जत है कहीं वो भी मिट्टी में न मिल जाए। शर्म नहीं आती तुझे? जिस चीज को कभी हासिल नहीं कर सकती कम से कम उसकी इज्जत करना तो सीख। सॉरी पापा। सॉरी वॉरी रख अपने पास और एक बात कान खोलकर सुन ले, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसने मास्टर्स की डिग्री ना हासिल की हो। वो अपने कानपुर के मामा जी के लड़के सतीश को ही ले लो, पीएचडी की है उसने, और भिलाई के जीजा जी की बिटिया डबल एमए और साथ में बीएड भी किया है। सुन रही है कुछ? अगर सच में माफी मांगना चाहती है तो ये डिग्री हासिल करके दिखा जी। बस बस बहुत हो गया, कल से किसी भी हालत में ठीक शाम को 7 बजे घर पहुंच जाना। कल से तेरी ट्यूशन शुरू। कुछ पल्ले पड़ा? पर सर, नौकरी से आते देर हो जाती है। जो कह दिया सो कह दिया, शाम को ठीक 7 बजे घर वापस आ जाना बस। हमेशा मुझसे नाराज रहते, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ना बेटा ना, तेरी कोई गलती नहीं है। अरे उसे तो खाना ही नहीं हजम होता है जब तक वो किसी को डांटे ना। बेटा नौकरी भी तो उसी के लिए कर रही है ना, रब जाने उसे अकल कब आएगी। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तू तो जानती है ना वो कैसा है। बच्ची मेरी घर में आई नहीं की। और पता है दादी, वो लड़का ना, वो कौन? वो तेरा हीरो अपूर्वा? वैसा नहीं है दादी। तो कैसा है वो बच्ची? अच्छा नहीं है, थोड़ा अकड़ो है। यू टेल मी, कोई इतना डम कैसे हो सकता है? थैंक यू भी नहीं बोला। I mean, I saved her life. उसने तुझे गिरने से बचाया? आए हाय, क्या बात है? आजकल वो तुझे बहुत बचाने लगा? कुछ कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में। Are you nuts? What filmy romance? It's just that हम दोनों के रास्ते mostly क्रॉस होते हैं। सुबह भी तो उसने तेरा पीछा किया था ना? हाँ, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो मैं थी। Anyway, हम उस डंबो की बात क्यों कर रहे हैं? Let's talk about my dream girl. तुम्हें पता है, वो भी एकेडमी में है। अच्छा, ये बता, मेरी बच्ची ने एकेडमी में कैसे डांस किया था? मैंने? मैंने ना ऐसे किया था। डब्बू, सॉरी, इट्स ओके। हाय दादी, सुन, मैं तुझसे ये पूछने आई थी कि जॉब का पहला दिन कैसा था? क्या किया तूने? अरे बहुत अच्छा था। मेरी जिया पर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी है किरण मैम ने। अब सारे शेड्यूल्स ये बनाएगी, किसे किस क्लास में जाना है, किस क्लास से बाहर आना है, ये सब अभी मेरी जिया के हाथ में है। वाओ! तुम लोग दोनों बैठ के बातें करो, ठीक है? That's really good यार जिया। तू एक काम करना मेरे लिए, तू कैसे भी करके रोहन सर की क्लास में मुझे एडजस्ट कर दे, ओके?
नहीं मतलब? वो मैं शेड्यूल चेंज नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, तू मुझे मना कर रही है? नहीं, वो किरण मैम ने सारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी, वो मैं चेंज करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। आई डोंट बिलीव यू डब्बू, एक दिन हुआ नहीं तुझे जॉब शुरू करे हुए और तू इतनी बदल गई। नहीं, मैं किरण मैम ने बोला था, मैं क्या करूं? What the hell यार, मुझे किरण मैम की क्लास में डाल दिया। रोहन सर की क्लास क्या कूल थी। I don't know, मैं तो किरण मैम से बात करूंगा। Hey, wait. हमें किरण मैम को नहीं, कोई JIA को कंसल्ट करना है क्लास चेंज करने के लिए। देख यार। अरे स्टूपिड, JIA नहीं, Jia, that's a name. You mean Jia? Yeah. But Jia, who the hell is Jia? This is not fair, ma'am. ये नया schedule हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम आपसे request करते हैं कि please हमारी classes rearrange करवा दीजिए। And I shall be thankful to you. Listen, ये academy तुम्हारे rules के मुताबिक नहीं चलती। Understand? और वैसे भी rescheduling का काम मेरा नहीं है, वो काम जिया संभालती है। इसके बारे में तुम्हें कोई भी problem हो तो जिया से बात करो। जिया, ओके। 7 दिन का लीव, लेकिन क्यों? कितना काम पड़ा है अभी, बल्ब चेंज करना है, स्पीकर्स रिपेयर कराने हैं, कौन करेगा ये सब? अपूर्वा। जिया मैडम ने मुझे कहा है अगले 7 दिन तक मेरा काम आप ही करेंगे। अगले 7 दिन तक आपको उनके जैसा यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। यूनिफॉर्म ग्रीन रूम में है। लुक, मुझे बल्ब चेंज करना आता है, अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रेस्ट दो एंड प्लीज मेरे सर पर मत खड़ी रहो। जस्ट गो। लेकिन किरण मैम ने कहा है कि मैं जस्ट गो। जिया, मैं 9 बजे की क्लास में नहीं आ सकती। रीजन बिहाइंड, मेरे जिम क्लास से ये क्लैश करता है। मुझे कुछ भी करके रोहन सर की क्लास में शिफ्ट करो। अरे ये क्या मतलब है यार? हाँ, तुम्हें ये सब करना ही था तो मैं पूछ लेती। Thank you.
अब मुझे यह सड़वा सैंडविच भी खाना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम ये जानबूझ कर रही हो या ये वो किरण मैम का कोई तरीका है मुझे और नीचे दिखाने का? तुम्हें पता है डांस कंपोज करना कितना डिफिकल्ट होता है? आई नो। इनफैक्ट तुम कल से अपने रिहर्सल शुरू कर देना, ये पूरा पीस कोरियोग्राफ करके तुम मुझे दिखाओगे।